तो बेटा जो ये वैल्यू है आपको, ये जो मैंने अभी लिख रहा हूं यहाँ पर, ये आपको याद कर लेना, याद हो जाएगा ना। सर। सिर्फ मैंने एक ही वैल्यू बोला याद करने के लिए। ओके, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा है। इसकी वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम है। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? तो बेसिकली अगर कभी पूछे आपसे कि लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज्यादा क्यों होता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करता है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ पर सिंपल सा रीजन लिखना है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, हाइड्रेशन एनर्जी समझते हो बेटा? कौन सी हाइड्रेशन एनर्जी? ये वाली हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, 529। यही तो होता है ना हाइड्रेशन एनर्जी बेटा, ये। यस सर। सो ड्यू टू दिस हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से आपका लिथियम सबसे ज्यादा, लिथियम क्या है बेटा, सबसे ज्यादा क्या शो करता है? हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। ओके, नाउ अगर आपको याद होगा मैंने बताया होगा लिथियम एल्यूमिनियम H4 एंड Na BH4 क्लास में कभी बताया होगा कि इन दोनों में ये दोनों रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। कोई सा भी आपका डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन को आपका रिमूव कर देते हैं, एल्कोहल को रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। समझ में आया ना? लाइक आपका एल्कोहल होगा तो उसको एसिड में रिड्यूस कर देते हैं, एल्डिहाइड होगा तो उसको एल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं। समझ में आता है ना? मैंने बताया था कि हम लोग ये ज्यादा यूज करते हैं, ये कम यूज करते हैं, एक्चुअली में इसका जो हाइड्रेशन पावर होता है ज्यादा होता है इन कंपेयर टू दिस, बट ये आपको महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है, इसलिए ये यूज नहीं करते, ये ज्यादा यूज करते हैं, सस्ते में निपटाते हैं हम सब चीजें। कभी बताया था एग्जाम क्लास में, बताया था कि नहीं? नहीं बताया तो अभी समझ लो, ये दोनों जो आपके कंपाउंड्स लिखे हैं मैंने अभी स्क्रीन पर, लाइक Na फर्स्ट वन आपका Na BH4, सेकेंड वन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये कंपाउंड्स ज्यादा यूज करते हैं बट ये आपका कॉस्टली होता है। ओके, तो नॉर्मली आपको ये ज्यादा मिल जाएगा, महंगा होते हैं, इंडियन वाले जुगाड़ लगा ही लेते हैं कहीं ना कहीं। ओके, हम लोग बाहर फॉरेन में ज्यादा यूज होता है। ओके, बिकॉज वहां पर पैसा है लैब में। ओके ना, तो ये क्लियर हुआ? सर हाँ बोलो। रुबिडियम और सीजियम की वैल्यू हमने सेम क्यों लिखी है? सर रुबिडियम सीजियम की वैल्यू सेम इसलिए बेटा, पॉइंट में और आगे जाओगे तब डिफरेंस होगा, मैंने 2 डिजिट तक लिखी है इसलिए सेम है वैल्यू, समझा? पॉइंट सर में अगर और आगे जाओगे तब सेम हो जाएगा, मतलब तब ये ज्यादा हो जाएगा वैल्यू, जैसे आपका परसेंटाइल आता है जेई का 5-6 डिजिट तक, तो आपको उतना आगे जाना ही नहीं है। मतलब लिथियम के बाद जस्ट नंबर आता है आपका सीजियम का और रुबिडियम का, तो आप इनको इक्वल भी कर सकते हो ऑलमोस्ट, समझे? सर और कुछ डाउट है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ फ्रॉम स्टार्टिंग। आपका रिड्यूसिंग नेचर एक्चुअली जो होता है उसका डेफिनेशन एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। ओके, बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है वो रिड्यूसिंग नेचर बोलते हैं। मैं आज तक आप लोगों को ये बताया ना कि सोडियम हमेशा ये लिखता था, ये वाला एग्जाम्पल कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, सोडियम पॉजिटिव में प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 0 से 1 में जाता है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यही लिखता था ना मैं। कभी मैंने ये नहीं बताया कि ये सॉलिड में होता है, ये एक्वस में होता है, एक्चुअली ये एक्वस में ही होगा तभी आपका ये रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, समझे? क्लियर है ना? तो नॉर्मली अभी हम लोग पढ़ते थे वो आयनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म्स में पढ़ते थे कि मेटल है आपका कोई Mg गैस में पॉजिटिव में बनाया तो आपका इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, उससे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, बट आयनाइजेशन पोटेंशियल से हम लोग रिड्यूसिंग नेचर नहीं निकालते हैं, याद रखो। ओके, किससे निकालते हैं?
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से निकालते हैं। वो क्या चीज होती है? वो ये चीज होती है कि सॉलिड मेटल को जब आप हाइड्रेट या सॉल्यूशन में डालते हो और एक इलेक्ट्रॉन निकले, जरूरी नहीं कि आपने मेटल का लिया, सोडियम का पीस लिया, उसको पानी में डाल दिया डायरेक्टली, नहीं पानी में नहीं डालेंगे, उसके लिए थ्री स्टेप होते हैं बेटा। कौन कौन से स्टेप होते हैं? ये स्टेप करना पड़ता है। फर्स्ट आपको उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर गैस से उसको आयनाइज करना पड़ेगा, फिर आयनाइज एटम में आप वाटर मिलाओगे तब आपका वो एक्वस बनेगा आयन। समझे कि नहीं समझे? ये प्रोसेस करनी पड़ेगी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए। क्लियर है ना? ये सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी। समझ में आया ऑल ऑफ यू? तो जब ऐड करोगे तो आपका मेटल सॉलिड आ जाएगा, ये सॉलिड से एक्वस पहुंच जाएगा, प्लस साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ओके, तो यही तो हम चाहते थे कि सॉलिड में आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। ओके, जैसे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आपका काम बन गया। ओके, अभी फिर देखो इधर पे ये सब्लिमेशन एनर्जी, तीनों एनर्जी को ऐड करेंगे तब जाके ये रिएक्शन होगा ना। मैंने क्या किया इस रिएक्शन के लिए? ऐड किया था ना मैंने ये रिएक्शन, ये रिएक्शन में क्या किया? ऐड करने को मिला ना ये रिएक्शन, इसका मतलब एनर्जी भी ऐड हो जाएंगी। थोड़ा सा थर्मो पढ़ो, थर्मो याद है ना बेटा ऑल ऑफ यू? थर्मो याद है? क्लियर है ना स्वामिनी? तीनों एनर्जी को मैंने ऐड किया है। आयुष क्लियर है ना बेटा? यस सर। ओके, तीनों एनर्जी को ऐड किया, ऐड करने पर जो मेरा टोटल एनर्जी आया, इसका मतलब जिस ये कम एनर्जी मुझे रिक्वायरमेंट होती है सॉलिड से मुझे एक्वस आयन में ले जाने के लिए, तो जिसमें ये एनर्जी कम होगी इसका मतलब वो जल्दी आयनाइज हो जाएगा इन एक्वस मीडियम। तो लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे जल्दी हो जा रहा है इस केस में, तो लिथियम का मैंने सबसे ऊपर रखा, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉर्मल जैसे थे एज सीक्वेंस है वैसे ही रखे यहाँ पर। समझ में आया? रिड्यूसिंग पावर, ये वैल्यू आपका, इसका सबका वैल्यू याद रहेगा तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट लिथियम का वैल्यू तो याद करो ही करो। समझे बेटा? एटलीस्ट ये वैल्यू तो याद आपको करना ही करना है, और ये वैल्यू एक ज्यादा एक कम का वैल्यू। ओके, नाउ जो बेटा अगर मैं बोलूं दोनों ग्रुप में एक ऑर्डर लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यहां पर ऑर्डर लिखना था। तो सबसे ज्यादा तो लिथियम का होता है बेटा, सबसे टॉप पे रखना है। फिर आपका लेट्स से जो रूबीडियम है और सीजियम है उसका मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, बिकॉज उन दोनों का इक्वल होगा। रूबीडियम और सीजियम के बाद किसका ऑर्डर आता है बेटा? रूबीडियम और सीजियम के बाद किसका आएगा? अरे बेटा ये देखो ना, रूबीडियम और सीजियम अगर मैंने हटा दिया, ये दोनों हटा दिया, तो किसका है बेटा? पोटेशियम का ना? हाँ सर। ओके, तो आप पोटेशियम बोलो ना, तो यहाँ पर पोटेशियम होगा। पोटेशियम के बाद किसका आएगा? सोडियम। सोडियम का। ओके, बट यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, सोडियम का नहीं लिखना है आपको, बिकॉज एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में आपका यहाँ पर आता है वेरियम, फिर आपका स्ट्रॉन्सियम, फिर आपका कैल्शियम, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर सोडियम। अभी आप बोलोगे सर पता नहीं क्या कर रहे हो, कन्फ्यूज कर दिया। MgBe, ये पूरा आपका ऑर्डर है। बेसिकली मैंने क्या किया, दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइंड कर दिया, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को। समझे ना बेटा? दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइंड कर दिया, तो ये उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है। समझ में आया ना? इसका कितना होता बेटा? 3.05, इसका 2.93, इसका 2.71। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 2.71 से क्या होगी बेटा? कम होगी। एंड जो बीच की ये वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी बेटा? ज्यादा। 2.93 से कम हो जाएगी एंड 2.71 से आपकी
ज्यादा होंगे। समझ में आया? क्लियर है ना? ओके, तो ये ऑर्डर एग्जाम में आ चुका है, जेई में आ चुका है बेटा, रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको याद कर लिया। क्लियर है ना पॉइंट? ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या समझे बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ क्या रिएक्शन करता है, ओके, हेलोजन के साथ क्या रिएक्शन करते हैं ये मेटल्स, एयर के साथ किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है ना बेटा? इनकेस आज के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। एनी प्रॉब्लम फॉर टुडे? अदरवाइज यू कैन लीव नाउ बेटा, ओके। लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है वो बच्चा रुक सकता है, और अरे यार आप लोग फिर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेक्चर ओवर हो चुका है। बाय सर। बाय बाय। बाय एवरीवन।